किसी भी स्ट्रांग बिल्डिंग को बनाने के लिए उसकी फाउंडेशन का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. सिमिलरली स्ट्राइक प्राइस इन ऑप्शंस ट्रेडिंग होल्ड्स इक्वल इंपॉर्टेंस विच नीड्स टू बी अंडरस्टूड. जो ट्रेडर इस कंसेप्ट को ज्यादा अच्छे से समझ जाता है उसके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए प्रॉफिट्स अर्न करने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. फिर बिना देर करें चलिए जानते हैं स्ट्राइक प्राइस के बारे में. हाय, आई एम ऋषभ शर्मा. दिस इज एस्प्रेसो बूटकैंप. हियर यू विल लर्न स्किल्स दैट विल हेल्प यू टू नेविगेट योर स्टॉक मार्केट जर्नी. हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम सीखेंगे स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस में डिफरेंस क्या होता है. नेक्स्ट हम सीखेंगे ऑप्शन प्रीमियम के बारे में, साथ ही साथ हम सीखेंगे स्ट्राइक प्राइस इंटरवल के कंसेप्ट को. बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन यू शुड नोट दैट इफ यू हैवंट वॉच्ड आवर वीडियो ऑन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स यू शुड वॉच इट बिफोर प्रोसीडिंग. अगर आप हमारे साथ चल रहे हैं तो आ जाते हैं आज के टॉपिक पर, दैट इज स्ट्राइक प्राइस. In order to successfully execute an option contract, we need to know its strike price. Strike price is that price level at which the underlying asset is bought or sold. अब देखते हैं strike price कैसे spot price से different होती है. Future में जिस price पर आपका option contract exercise किया जाएगा वो strike price होता है. किसी भी option contract में spot price का मतलब है उस contract के underlying stock का current market price. Coming to another important discussion for the day, that is options के premium. Option में भी आपको premium pay करना पड़ता है. ये premium option contract को strike price पर exercise कर पाने के right के लिए pay किया जाता है. Option premium को calculate करने के लिए strike price की help लेनी पड़ती है. Let us understand how premiums work with call options. किसी भी कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्राइक प्राइस जैसे ही कम होता है उसका प्रीमियम इंक्रीज हो जाता है. सिमिलरली व्हेन द स्ट्राइक प्राइस ओवरटेक्स द रूलिंग इंडेक्स द ऑप्शन प्रीमियम फॉल्स. पुट ऑप्शन डायनामिक्स आर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दैट ऑफ द कॉल ऑप्शंस. स्ट्राइक प्राइस और ऑप्शन प्रीमियम के इस वेरिएशन से हाईलाइट होते हैं तीन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. जब स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से हाई होता है कॉल ऑप्शंस में तब उसे इन द मनी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. व्हेन द स्पॉट प्राइस एंड स्ट्राइक प्राइस आर इक्वल इट इज कॉल्ड एज एट द मनी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, या फिर हम उसको एटीएम भी बोलते हैं. लास्टली व्हेन स्ट्राइक प्राइस एक्सीड्स द स्पॉट प्राइस इट इज कॉल्ड एज आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स. इन द मनी ऑप्शंस के जो प्रीमियम है वो सबसे ज्यादा हाई होते हैं. For example, let us assume stock ABC is trading at a spot price of 275 rupees. ABC call options with a strike price of below 275 will be in the money, while its put option with the strike price above 275 will be in the money. अगर ABC call and put options की strike price इसके market price की जितनी ही है, मतलब 275, तो वो calls and puts at the money कहलाते हैं. The ABC call options with the strike price of above 275, while the put option with the strike price below 275 will be out of the money options for that particular stock. चलिए अब finally बात करते हैं strike price intervals के बारे में. दो successive strike price के difference को strike price intervals कहा जाता है. जितनी high liquidity होगी उतने high किसी भी stock या index के strike prices होंगे. Any stock or index should have at least 5 strike prices, 2 in the money, 2 out of the money and 1 at the money. इस बात पर भी ध्यान दें कि जैसे जैसे stock move करता है वैसे वैसे strike price की list में नई strike prices add होती जाती हैं. अगर आपको strike price के बारे में और जानना है तो आप हमारे text chapters read कर सकते हैं. तो उम्मीद करता हूँ आपको ये video पसंद आया होगा. आज के लिए बस इतना ही. Tell us what you think in the comment section below and don't forget to like, share and subscribe. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.